सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स एज यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों अगर आप भी जडेजा को शानदार बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो का लाइक टारगेट बस 500 लाइक है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल भी पूरी तरीके से भारत के नाम रहा। आपको बता दें कि पहले दिन में ऑस्ट्रेलिया को ढेर करने के बाद भारतीय टीम 195 रनों को चेस करने के लिए मैदान पर उतरी थी, जिसके बाद पहली इनिंग्स में भारतीय टीम को एक बड़ी लीड भी ऑस्ट्रेलिया की टीम को देनी है। आपको बता दें कि बल्लेबाजी करने उतरी पहले दिन तो भारतीय टीम ने कुछ खास नहीं करा। दूसरे दिन के खेल में जैसे ही बल्लेबाजी की शुरुआत हुई तो शुभमन गिल 45 रन बनाकर आउट हो गए थे। इसके बाद मैदान में अब कप्तान रहाणे ने एंट्री मारी और कुछ ऐसी बल्लेबाजी करके दिखाई जिसकी भारतीय टीम को सख्त जरूरत थी। 200 क्रीज के दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते चले जा रहे थे। आपको बता दें कि ऋषभ पंत 29 तो वहीं हनुमा विहारी 41 रन पर आउट हो गए, लेकिन इस बीच कप्तान अजिंक्य रहाणे का साथ देने के लिए ऑस्ट्रेलिया के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा। दोस्तों आपको बता दें कि जहां रहाणे ने अपना अर्धशतक पूरा किया और दिन के अंत तक अपना शतक भी पूरा कर चुके थे, उस सफलता में कहीं ना कहीं जडेजा का भी बहुत बड़ा योगदान था। आपको बता दें कि पूरी 104 गेंदे खेलने के बाद जडेजा ने 40 रन बनाए, लेकिन अहम बात यह थी कि जडेजा ने अपना विकेट नहीं गिरने दिया, इससे कि प्रेशर रहाणे के कंधों पर नहीं गया था। लेकिन दोस्तों मुद्दे की बात तो यह है कि जडेजा की बल्लेबाजी इतनी भी ज्यादा आसान नहीं थी। एक तो उन्हें कंडीशंस का सामना करना था, विकेट भी बचाना था और दूसरी तरफ से ऑस्ट्रेलिया की टीम के गेंदबाजों द्वारा क्रिएट करी गई चाणक्य नीति से भी बचना था। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको बता दें कि मैदान में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने कुछ शर्मनाक हरकतें करी, चाहते थे कि जडेजा डिस्ट्रैक्ट हो जाएं जिसके चलते वे अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें कि पूरे मामले की शुरुआत करी थी गेंदबाज नैथन लायन ने। दोस्तों आप अपने सामने इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से गेंदबाज नैथन लायन जडेजा को साइड हटने की सलाह दे रहे हैं। उन्होंने जडेजा की तरफ ठीक से देखा भी नहीं और उन्हें हाथ का इशारा करके दूर रहने के लिए कहा। जडेजा ने उनकी बात को तो इग्नोर कर दिया था। अगला इंसिडेंट जो कि आपके सामने है वह हुआ था गेंदबाज जॉश हेजलवुड के साथ। उस तस्वीर में देख सकते हैं कि गेंदबाजी कराने के बाद जब जडेजा ने हेजलवुड की गेंद को डिफेंस किया था तो हेजलवुड फिर आधी पिच तक आ गए और जडेजा को देखते रहे। ऐसे में जडेजा ने भी पलटवार किया और हेजलवुड को पूरी तरीके से वो खतरनाक लुक दी जो कि हेजलवुड जडेजा को दे रहे थे, मतलब कि जडेजा ने अपने ही अंदाज में उन्हें करारा जवाब दिया। इस बात को भी जडेजा ने इग्नोर करना ही ज्यादा जरूरी समझा और अपनी बल्लेबाजी पर फोकस किया। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि जब जडेजा को आगे मौका मिला तो पारी के 72वें ओवर में उन्होंने गेंदबाज ग्रीन को एक शानदार चौका भी जड़कर सारा प्रेशर फिर से कंगारुओं पर डाल दिया। तो यह कोई नई बात नहीं जब ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी इस तरीके की अवरस्ते अपनाकर भारतीय खिलाड़ियों के विकेट लेना चाहते हैं। लेकिन जडेजा ने न सिर्फ उनके ही अंदाज में उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया बल्कि चौका जड़कर फिर से प्रेशर कंगारुओं के कंधों पर डाल दिया। इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की शर्मनाक हरकत मैदान पर भी देखने को मिली। परंतु दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, क्या जडेजा ने बिल्कुल सही जवाब दिया कंगारुओं को या फिर नहीं, इस बात का जवाब नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। ऐसी सभी ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।